सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा ट्विजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स के एक और क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न पूछा है एड प्रोडक्शन ने, उन्होंने सवाल पूछा है कि भाई i20 एस्टा 1.4 लीटर का इंजन, ये जो गाड़ी आ रही है ये लूं या फिर स्विफ्ट ZDI लूं, दोनों में से बेटर कौन सी रहेगी और साथ ही में दोनों का प्राइस डिफरेंस क्या रहेगा। दोस्त प्राइस डिफरेंस करीब लाख रुपए का रहेगा। एक शोरूम दिल्ली की प्राइस की अगर बात करें तो 7,49,000 करीब एक शोरूम प्राइस दिल्ली में स्विफ्ट ZDI की पड़ती है और 8,41,000 करीब एक शोरूम प्राइस आपको i20 एस्टा मॉडल की मिल जाएगी दिल्ली के अंदर। दोनों ही डीजल के इंजन हैं और दोनों ही काफी अच्छे इंजन हैं, काफी सालों से मार्केट के अंदर पैठ बनाए हुए हैं। एस्टा मॉडल की अगर बात करते हैं तो एस्टा के ऊपर एक और आता है एस्टा ऑप्शनल मॉडल, तो ऐसा जस्ट उससे नीचे वाला मॉडल है और इस मॉडल के अंदर i20 में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज आप मिस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, बस कुछ एक छोटे मोटे फीचर्स और जैसे कि साइड कर्टन एयरबैग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेन डुअल एयरबैग्स आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, ABS, EBD, सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे पुश बटन स्टार्ट है कंफर्ट के लिए, वो नहीं मिलेगा आपको एस्टा के अंदर, लेकिन बाकी कंफर्ट के फीचर्स, इंफोटेनमेंट में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट अच्छी क्वालिटी का आराम से मिल जाएगा। तो स्विफ्ट ZDI से अगर बात करते हैं, फीचर वाइज आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली। अब स्विफ्ट ZDI लोग क्यों देते हैं, क्योंकि उस पर बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। भाई इंडिया में लोगों को माइलेज बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको स्विफ्ट ZDI जितना माइलेज कभी भी i20 ऐसा नहीं देगी, उससे आपको इनफैक्ट 8-10 KMPL का कम माइलेज मिलेगा अगर आप i20 लेते हैं तो। लेकिन फिर भी लोग i20 पे क्यों जाते हैं, i20 पे इसीलिए जाते हैं क्योंकि एक ड्राइविंग प्लेजर जो मिलता है वो बहुत ही शानदार आपको मिलेगा i20 के साथ। इसके साथ आपको 220 Nm का जो टॉर्क मिलता है, 90 PS का काफी पावरफुल इंजन मिल रहा है, ये 75 PS होता है आपको स्विफ्ट के अंदर, तो पावर वाइज टॉर्क वाइज कोई मेल नहीं है दोनों इंजन्स का, काफी रिफाइंड रहता है i20 का इंजन और जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन है वो भी काफी अच्छा है। बहुत सारे लोग एक प्राइड डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं विद ओनिंग ऑफ i20 और उसमें भी जो डीजल वेरिएंट है, तो इसका लुक वाइज जब किसी भी गाड़ी के अंदर आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स नहीं आते थे उस समय इसमें आया करते थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने इस i20 ब्रांड को प्रीमियम ब्रांड बना दिया है। आपके सामने कंडीशन एकदम सिंपल है, ये लाख रुपए का अगर आप प्रीमियम देने को तैयार है तो आपको डेफिनेटली i20 ही ऑप्ट करना चाहिए, चलाने में आपको मजा आ जाएगा, एकदम सेफ गाड़ी, इंजन बहुत ही रिफाइंड और साथ में जो दमखम है वो इस सेगमेंट की और किसी गाड़ी में आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो माय पिक विल बी i20, आप 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा शेल आउट कीजिए और i20 पे जाइए। अगला सवाल राजेश शर्मा जी ने पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है सर आई हैव बुक्ड अ फोर्ड फ्रीस्टाइल, इज इट अ राइट डिसीजन। राजेश जी देखिए, मैं फोर्ड फ्रीस्टाइल के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने पेट्रोल वेरिएंट को एकदम डेमोन्स्ट्रेट करके उसको चला के देखा और उसके बाद मेरा फीडबैक था वो शेयर भी किया। ऐसे ही डीजल के वेरिएंट को भी मैंने बाद में ड्राइव किया, आई फाउंड आउट कि डीजल वाला ज़्यादा पावरफुल है इन कंपेरिजन टू पेट्रोल, पेट्रोल वाले में उतनी ज़्यादा पावर आपको फील नहीं होती। साथ ही में गाड़ी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लीजिए चलाइए। कुछ एक कमियां थी जो मैंने वहां पे वीडियो के अंदर मेंशन करी थी, अगर वो कमियां आपको इफेक्ट कर सकती है तो इस गाड़ी से दूर रहिए, अन्यथा आप डेफिनेटली इस गाड़ी को ले सकते हैं, फोर्ड का भरोसा और क्वालिटी आपको मिल जाती है। कुछ कमियां जैसे कि बेसिकली रियर सीट पे जो कंफर्ट है वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा था, और भी कुछ एक चीजें थी जो मैंने वीडियो में मेंशन कर रखी है, आप डेफिनेटली उसको देखिए, नहीं तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि आपकी प्राइम नीड्स क्या है गाड़ी से, आप किस तरह से इसको यूज करने वाले हैं और क्या फीचर्स हैं जो आपको जरूर से चाहिए गाड़ी के अंदर, मैं तब आपको डेफिनेटली इस पर और बेटर एडवाइस कर पाऊंगा। शुभम भट्ट साहब पूछते हैं कि टाटा टिगोर पेट्रोल है या फिर स्विफ्ट VX है, दोनों में से कौन सी बेटर रहेगी। शुभम जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आप अपनी अगर रिक्वायरमेंट मुझे बता पाओगे तो मैं आपको बेटर एडवाइस कर पाऊंगा।
आपको किस पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, स्विफ्ट से काफी ज्यादा बड़ा बूट मिलेगा आपको टिगोर के अंदर, एक स्टाइलिश डिजाइन मिलेगा। स्विफ्ट चलाते हुए बहुत सारे लोग बोर हो गए हैं, वो सेम डिजाइन की गाड़ी। टिगोर के अंदर एकदम नया डिजाइन है, प्रीमियम लुक देता है। कंफर्ट वाइज रियर सीट का टिगोर का बेटर है स्विफ्ट से, लेकिन स्विफ्ट में भी बहुत सारे गुण हैं, बेटर माइलेज है, मारुति का जांचा परखा पुराना इंजन है। तो आपको एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? इंफोटेनमेंट की बात करो, म्यूजिक क्वालिटी आपको टिगोर की अच्छी ज्यादा लगेगी, लेकिन आपको स्विफ्ट के अंदर एंड्रॉयड ऑटो मिल जाएगा। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप दो चार पॉइंटर्स मुझे बता पाएंगे, मैं आपको एकदम सटीक बात बोल पाऊंगा कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। अगले प्रश्न में शुभम भट्ट साहब पूछते हैं कि बलेनो का सस्पेंशन कैसा है। शुभम दोस्त, देखो सस्पेंशन उसका थोड़ा स्टिफ है, शायद आपने कहीं पे इसको सुना होगा, इसीलिए आप मेरे से पूछ रहे हैं। बलेनो में आपको थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन मिलता है, तो पीछे जो लोग बैठे होते हैं खासकर, उनके लिए जब जर्क पे से गाड़ी गुजरती है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये स्टिफ सस्पेंशन मारुति कह रहा है कि उन्होंने जो नया प्लेटफॉर्म यूज किया है, हार्ड टेक प्लेटफॉर्म, जो कि सेफ्टी बढ़ा देता है, उसका नतीजा है मोस्ट प्रोबेबली। तो शायद फायदा भी जुड़ा हुआ है, लेकिन एक नुकसान भी है। अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए बहुत ज्यादा, तो आप इससे दूर रहिए। आप में से काफी लोग कमेंट करके मुझसे अपने सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही अपना अमेजिंग सा फीडबैक भी दे रहे हैं। ये फीडबैक आप ही के काम इवेंचुअली आने वाला है, मेरे तो काम आएगा ही, आपके काम ऐसे कि मैं अपने वीडियोस को आपके हिसाब से मॉडिफाई करूंगा ताकि कम समय में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो कमेंट करते रहिए, फीडबैक शेयर करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।